एवरीवन, मेरा नाम अनुराग है और कई बार परफॉर्म कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी डर लग रहा है थोड़ा। सपोर्ट करना साथ में। थैंक यू एवरीवन। चलो शुरू करते हैं। देखो बताता हूँ मैं, टीवी तो सब लोग देखते होंगे मोस्टली, अब तो थोड़ा कम हो गया है क्योंकि स्मार्ट टीवी आ गया है, तो यूट्यूब एंड ऑल ये सब होता है। पहले जब हम छोटे थे, लाइक डिस्कवरी, ऑल वी नो दैट डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफिक, जब आप अकेले वो देखोगे ना, तो उसमें अलग ही, मतलब यहाँ पे डायनासोर का अंडा मिला है और ये अंडा 2 साल पुराना ही है। थैंक यू। और जैसे ही मम्मी या पापा आके बैठे, उसके बाद ये एक मादा है, ये नर और ये मादा दोनों प्रजनन की प्रक्रिया आरंभ करेंगे। भाई मतलब वो मादा भी देखो ऐसे चलती, एकदम नौरा फतेह की तरह ऐसे। मैं एक नौरा फतेह हूँ, अब मेरा नर आएगा और मुझे रिझाएगा। अलग ही लेवल पे। मम्मी कहती क्या चल रहा है, मैंने कहा कुछ नहीं, मुझे नहीं पता, हटाओ उसको हटाओ। उसके बाद एड्स तो यार खतरनाक एकदम। जब खाना खाने बैठो, हार्पिक जो आपके खाने की प्लेट को चमकाए 100%, अलग ही है ना। और जैसे ही मम्मी या पापा या बड़ा भाई कोई आके बैठेगा, आपके एक्स को पास ले आए प्योर एक्स, हमें लाना ही नहीं है ना, बात तो ये हमें लाना ही नहीं है, फिर भी इस तरह के एड्स काफी। और बाकी मुझे आंटी दिख रही है, नमस्ते आंटी। आप अनुपमा देखते हो, नहीं देखते है कोई यहाँ पे गर्ल्स? आप, अरे कौन सा कैरेक्टर अच्छा लगता है मैम आपको? सभी अच्छे नहीं, एक मेन जो आपको मतलब ऐसा लगता हो कि हाँ। अनुज नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं, नहीं मिलेगा। मैम आपको, आपको कौन सा अच्छा लगता है? अनुपमा? मैम अनुपमा की दूसरी शादी हुई है। आपके हस्बैंड आए साथ में? सर देख लीजिए, अब आप डिसाइड कीजिए, आपको वनराज बनना है या अनुज बनना है? अनुज है, चलो हैट्स ऑफ टू यू। दिक्कत हो जाएगी वरना सर। अच्छा एक और बताता हूँ, मैम आपका नाम क्या है? पारुल। आप जब छोटी थी, आपकी टीचर्स कैसी थी, मतलब कैसी थी, लाइक साड़ी वाली या थोड़ी सी सूट वाली, चिल्लाती थी या प्यार से बात करती थी? मारती थी आपकी? मेरी अलग है थोड़ी सी, मैं बताता हूँ। मोस्टली मतलब वो आर्मी फैमिली से हैं, तो डेली सुबह जॉगिंग पे जाती है, हम लोग पार्क में मिलते हैं, मैं भी जाता हूँ। तो ये वो उनका ना थोड़ा सा अलग है, वो फ़ोन रखेंगी पेड़ के पास, इंस्टाग्राम रील्स शुरू करो माहिया। मेरे को यार एक दिन मैंने देखा, मेरे को मैम बुला रही है, बेटा इधर आओ, लेट्स मेक रील्स टुगेदर। मैंने कहा मैम मुझसे नहीं होगा ये सब, मुझे रील बनाना आता ही नहीं है, मैं कैसे बनाऊँ? बेटी बेटा कुछ नहीं, आओ शुरू करते हैं। तो मैम ने ऐसे रखा, बेटा शुरू करो, देखो चैन खो गया है, कुछ तो हो गया है। मैंने कहा नहीं मैम मेरे से नहीं हो रहा है, ऊपर से आंटी देख रही है, हाय टर्बो खुल गई क्या इसके, क्या कर रहा है ये, क्या कर क्या रहा है ये। फिर मैम कह रही है कि बेटा देखो चलो काम करते हैं, कुछ और ट्रेंड नया ट्राई करते हैं। मैं वहाँ से भाग गया तुरंत। भाई आंटी इतने गंदे से घूरती है ना पार्क में, सीरियसली। नहीं ऐसा कुछ नहीं करने जाते भैया यार आजकल, हाँ खैर पार्क तो वैसे ही हो गए हैं। तो एक और बताता हूँ, आप लोगों ने डोरा देखा है बचपन में? डोरा द एक्सप्लोरर अभी भी देखते हो भैया? देखा है क्या? अच्छा अभी भी आता है लेकिन उस, भगवान यार कितनी अंधी लड़की है पता है ना आपको, अंधी है ना, उसको दिखता ही नहीं है क्या? आपको पीछे एक खेत दिख रहा है, हमें दिख रहा है लेकिन कहाँ है, मुझे तो नहीं दिख रहा है। अब जैसे भैया खड़े बोलेगी क्या आपको ये आदमी दिख रहा है, दिख रहा है लेकिन नहीं मुझे नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है? आओ हम बैकपैक से पूछेंगे, बैकपैक भैया इनका बैकपैक कैसा उड़ के आता है, इनका बैकपैक हमारा 20 किलो का भैया स्कूल में कोई ऐसे पहुंचा दो, उसका अलग ही मतलब। क्या आपको खेत में कोई हकता हुआ आदमी दिख रहा है? नहीं हमें नहीं दिख रहा है। क्या अब आपको दिख रहा है? नहीं हमको अभी भी नहीं दिख रहा है। भैया हमें दिख रहा है, दिख रहा है। चलो थोड़ा ऑडियंस इंट्रैक्शन कर लेते हैं। मैम आपका नाम क्या है? श्रुति। क्या कर रहे हो?
मतलब क्या पढ़ाई कर रहे हो? ग्रेजुएट किससे? बीकॉम। मैम आपका? अद्विता। अद्विता आप क्या करते हो? मेरा करंटली ड्रॉप ईयर है। ये देखो कितनी प्यारी लड़की है ना। हाय अद्विता। ये ना मतलब कितनी औसम लड़की है ना ये, लाइक अद्विता एक हमारी क्लास की। क्या बे अभी होती है ना यहाँ पे? क्या बे तेरी बहन को नमन। क्या कॉमर्स कर रहे हो? कोई दिक्कत? कितनी क्यूट सी लड़की है ना। मैम आपका? शिवांगी। शिवांगी नागिन वाली। आप क्या कर रहे हो? मास्टर्स कर रही हूं एमएससी। बहुत बड़ी है यार। सब्जेक्ट? हाँ सब्जेक्ट क्या? इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। ये क्या होता है? नहीं हमें पता चलना चाहिए ना, हम लोग भी कर रहे हैं। बायोलॉजी इज इन हिंदी सूक्ष्म जीव विज्ञान। कोविड वैक्सीन आपने बनाई थी? नहीं, अच्छा बना लेंगी पक्का? ऐसा कोई और वायरस आने वाला है जिसकी वैक्सीन आप अभी से बना लो? मुझे मैम आपका नाम क्या है? शालिनी। आप क्या करते हो? जब ये बड़ी है तो मैं तो बहुत बड़ी हूँ, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। सब्जेक्ट? हाँ क्या पढ़ाती हैं मैम आप? मैं टीचर्स को ट्रेन करती हूँ। टीचर्स को ट्रेन करती हैं? बाप रे। एक मेरी मैम को ट्रेन करोगी ना? सारी मैम को भेज दो यार। नहीं मतलब शी वाज लाइक माय ही, उनको थोड़ा सा ट्रेन कर दूंगी ना। दैट्स अ पर्सनल लाइफ ना। मैम आपको एक बात बताइए, आपका प्रोफेशन है असिस्टेंट प्रोफेसर, अभी आप अपने इंस्टाग्राम आईडी पे करने लगो ऐसे दिल भर दिल भर। सो व्हाट इफ आई फील लाइक आई डू इट? हाउ? हाउ लाइक यू टोल्ड माय, बच्चे देख रहे हैं 10th क्लास के। कैसे कैसे कुछ उन्हें भी देख ले, दो। अच्छा 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 कोई और बच्चा है? मतलब कोई और लड़की बच्ची? नहीं 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 या मैम सेकंड लास्ट। आपका नाम? श्रेया। आप क्या करते हो? पोस्ट ग्रेजुएशन एम ए एम एम एड। इससे क्या करेंगे आगे जाके हम? मतलब इससे क्या करियर फ्यूचर क्या है वो पूछ। टीचिंग? ये मेरी तरह टीचर्स को ट्रेन करेगी। वाह यार, ऐसे टीचर होना तो भैया हमारी डेली क्लास लगेगी ऐसे डेली है ना। वैसे मैम आप पिछली बार भी आई थी आई थिंक, हाँ फर्स्ट प्राइज जीता था मैम ने, मेरा प्राइज जीत के ले गई थी। देखो अभी भी शर्म नहीं आ रही, अभी भी हंस रही हैं। मेरा प्राइज जीता था आपने पिछली बार, याद है आपको? नहीं याद है? याद है ना प्राइज मिला था इतना याद है? किसका था ये मुझे? मेरा था वो, मेरा था। अच्छा वैसे मैम बेबी के साथ आप बहुत क्यूट लग रहे हो बाय द वे। और कोई सीरियल ऐसा है जो आप देखते हो? मेरी मम्मी की तरह बिल्कुल आप लग रहे हो। थोड़ा सा मैं सोचा हूँ उसी 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 बात पर थोड़ा डिस्कशन कर लूँ। और कोई सीरियल जो आपका फेवरेट हो? वो भी मुश्किल से, छोटी अनु की वजह से ना। हाँ अनु की वजह से ये नहीं देखते। वो क्या मना करते हैं? हट हट यहाँ से, मेरा मैं अपना मैच देखूंगा। ऐसा ऐसा वैसे ऐसा होता है क्या मतलब फैमिलीज में कि मतलब रिमोट चेंज कर देते हैं ऐसे? मैं अच्छा हमारे यहाँ नहीं होता यार, हम तरसते हैं इस चीज़ के लिए। डेली होता है बाहर से तो रो रही है। Ha ha ha!